वेलकम बैक टू माई चैनल इज़ फॉर यू आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एच की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आ, इस स्कॉलरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है और इसके अलावा आपने इस स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई है वो कैसे करना है इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें लेटर ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये जो स्कॉलरशिप है क्या ये मिलती है कि नहीं मैं आपको कुछ कमेंट्स या बहुत सारी मैसेज मुझे ड्रॉप होती हैं ऑन टेलीग्राम स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि दैट वी विल रिसीव द स्कॉलरशिप और नॉट इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप जो है वो मिल चुकी है आप चेक कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस स्कॉलरशिप देखेंगे टू तो जीरो टू तो 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 की जो आप रिजल्ट है वो आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं रिजल्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम कितने स्टूडेंट्स को ये जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड हो चुकी यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट दे सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट किस स्टेट से अगर आप चेक करेंगे वेदर यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो और किस क्लास में पढ़ते हो वो आप यहां पर चेक कर सकते हो सो so, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अप्लाई करने में कोई भी इशू रहता है और लेटर ऑन कोई भी इशू रहता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हम विद इन आर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेंगे सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी आपने उस लिंक पे क्लिक करना है लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस बड़ी फॉर स्टडी का जो है वो ओपन हो जाएगा लिंक ओपन करने के बाद आप यहां पे चेक कर सकते हैं यहां पे जो स्कॉलरशिप का नेम है दैट इज एच डी एफ सी बैंक परिवर्तन ई सी एस एस प्रोग्राम टू जीरो टू फोर टू जीरो टू फाइव दैट मीन ये जो स्कॉलरशिप है हर ईयर आपको जो है प्रोवाइड की जाती है अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल आप क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ और डिप्लोमा आई का कोई कोर्स करते हो तब भी आप एलिजिबल हो एंड एट दैट टाइम आपने यहाँ पर जो अप्लाई ना हो है, इस पर क्लिक करना है अगर आप अंडर ग्रेजुएट में कोई भी कोर्स जैसे कि अगर आप बी करते हो अगर आप बी एस सी बी ए बी सी एट्सट्रा और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बी टेक एम बी बी एस एल एल बी तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पे अप्लाई करना है और इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड कोर्सेज लाइक एम कॉम एम ए और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एम टेक एम बी ए करते हैं एट दैट टाइम आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है फॉर एग्जाम्पल यू आर ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड आप यहाँ पे अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना चाहते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आप में जो है आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो कर रहे होंगे इसके अलावा आपका जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके एट लीस्ट फिफ्टी फाइव मार्क्स होंगे एंड यहां पे जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है दैट इज आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम इट मस्ट बी लेस और इक्वल टू टू पॉइंट फाइव लैख अगर है दैट मीन अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो जिनकी जो बियरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम है एट दैट टाइम आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी और इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स है बेनिफिट्स की अगर हम बात करें फॉर सिंपल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ पे थर्टी थाउजेंड जो है वो यहाँ पे पर ईयर दिया जाएगा एंड फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बी आप कर रहे हैं या कोई और कोर्स जैसे एम एट दैट टाइम आपको फिफ्टी

पे इंक्रीज हो रहा है अप्लाई करने के लिए अगर अभी तक आपने बडी फॉर स्टडी पे रजिस्टर नहीं किया एट दैट टाइम आपने यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन है आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट नेम है वो प्रोवाइड करना है लास्ट नेम है वो प्रोवाइड करना है आपका जो ई है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट करना है कंफर्म पासवर्ड पे आई एग्री करने के बाद आपने यहाँ पे साइन आप पे क्लिक करना है बट अगर आपका जो अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी फॉर स्टेडी पे बना हुआ है एट दैट टाइम आपने डायरेक्ट यहाँ पे लॉग इन पे जो है वो आपने क्लिक करना है लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल से और ईमेल से जो लॉग इन किया होगा आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपना पासवर्ड देना है उसके बाद आपने लॉग इन पे क्लिक करना है लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो अभी तक आपको जितनी भी स्कॉलरशिप जैसे कि मैच हो रही है अप्लाई किया है अवार्ड हो चुकी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसके बाद अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की जो स्कॉलरशिप है उस पर अप्लाई करना एट दैट टाइम आपने यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे फोर्थ ऑफ सितंबर रहने वाली है आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी वो आपने यहाँ पे चेक करना और स्टार्ट एप्लीकेशन पे जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट uh, टाइम और एक बार आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपकी जो स्कॉलरशिप है वो किस लिए चाहिए वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करना आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है बट ऑलरेडी अगर आपने ये डिटेल्स फिल कर ली है एट दैट टाइम आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं बट यहाँ पे एक मैंडेटरी ऑप्शन है दैट इज़ यू हैव टू सबमिट योर आधार सबमिट करने के बाद आपने उसको क्या करना है यू हैव टू वेरीफाई दैट आधार जो कि यहाँ पे मस्ट है फॉर एनी स्कॉलरशिप अगर आप कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं उसके लिए वो आधार आपका जो वेरीफाई कराना जरूरी है पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे जो प्रेजेंट क्लास है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने एडमिशन लिया है एट दैट टाइम आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है अगर अंडर ग्रेजुएट एट दैट टाइम आपने अंडर ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है या फॉर एग्जाम्पल कोई और कोर्स आप कर रहे हो एट दैट टाइम आपने सेम कोर्स जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो एजुकेशन की डिटेल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ पीजी स्टूडेंट है एट दैट टाइम आपने जो यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है दैट यू हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स और उसके बाद जो भी जैसे कि मार्क्स आपने यहाँ पर बताने हैं कि कितने मार्क्स है मार्क्स ऑबटेन्ड इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करना है सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेक्शन है वो कम्प्लीटेड यहाँ पर दिखाएगा उसके बाद आपने यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जो है वो ऐड करने हैं फैमिली मेम्बर्स में आपने यहाँ पर फादर की जो डिटेल्स है वो एड करनी है और उसकी जो एनुअल इनकम है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है उसके बाद गॉर्डन जो है उसका यहाँ

स्कॉलरशिप है वो वो आपके आपके नाम पे 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 जो है स्कॉलरशिप अकाउंट ट्रांसफर जाएगी सो so, उसके लिए आपने यहां पे बैंक की जो है वो बाद लास्ट ऑप्शन मोर अबाउट यूर सेल्फ मोर अबाउट यूर सेल्फ में टेलस अबाउट एंड यूर फैमिली के बारे में यू कैन राइट सम सेंटेंसेस और टू थ्री लाइंस अपनी फैमिली के बारे में जैसे कि आपके फादर क्या करते हैं आपके मदर क्या करते हैं या इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस आर यू फेसिंग या आपको कौन सी क्राइसिस आप फेस कर रहे हो या अगर आप एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप में आपके घर में कोई इनकम का इशू है वो आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो ईयर ऑफ क्राइसिस आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हो इसके अलावा रीजन फॉर जॉब लॉस अगर आप यहाँ पर है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फादर की जो जॉब है वो यहाँ पर लॉस हो चुकी

क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद जब इस स्कॉलरशिप का लास्ट डेट होगा उसके बाद आपका जो यहां पे सिलेक्शन है वो आप चेक कर सकते हो और आप आप पे प्रोफाइल सेक्शन में 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 अप्लाइड अप्लाइड स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप भी क्लिक कर कर सकते में आप कर सकते हो हो चेक कि आपने किस किस स्कॉलरशिप में अभी तक जो है वो अप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एल आई सी एच एफ एल विद्या स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन सबमिटेड दिखा रहा है सेम यहाँ पे अभी जो मेरा एच डी एफ सी वाली स्कॉलरशिप नॉट सबमिटेड दिखा रहा है आपको यहाँ पे सबमिटेड जो है वो ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा सो दिस इज ऑल रिलेटेड द बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट अंडर एंड स्कूल स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी इशू है इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड या इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको मोर स्कॉलरशिप के जॉब्स के रिलेटेड इंटर्नशिप के रिलेटेड एंड फ्री कोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे तब जाके आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना थैंक्स